सुहागपुर एसईसीएल परिक्षेत्र में कार्यरत कोल माइंस कर्मचारियों का स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मुख्य रूप से बीपी शुगर के मरीज की संख्या ज्यादा रही, जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर नियमित रूप से व्यायाम कर कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दी गई। दरअसल कोयला खदानों में 12 घंटे काम करने वाले मजदूर कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जो समय के अभाव में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करा पाते। उनका शिविर के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है। लगभग 100 के ऊपर मरीजों का जांच किया गया। एक्चुअली हमारा एक हेल्थ कैंप होता है जो बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या, या जो भी सीजनल बीमारियां होती हैं, और बीपी शुगर ये सब जांच किया जाता है, तो परीक्षण किया जाता है। हम लोग बीपी कर लेते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देखते हैं, किसी को फीवर है कि नहीं, माइंस के अंदर आने वाले कर्मचारी किसी को सांस की परेशानी है या नहीं, इस तरह की चीज़ों को हम लोग नोटिफाई करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर हम रेफर भी करते हैं। कुछ मरीजों की दवाइयाँ बदलते हैं और उनको अस्पताल आने के लिए सलाह भी देते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि काम की वजह से बहुत लोग अस्पताल आ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम लोग माइंस में कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके हम लोगों के पास अपना चेकअप करा पाए, अपना रूटीन जो भी वाइटल्स वगैरह है वो चेक करा पाए। सुहागपुर SECL कोल माइंस के कंट्री OCL में आज SECL स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यरत कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीपी शुगर के मरीजों की संख्या ज्यादा रही, जिनका प्राथमिक उपचार कर सावधानी रखने की डॉक्टरों द्वारा सलाह दी। दरअसल कोयला खदानों में 12 घंटे काम करने वाले मजदूर कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जो समय के अभाव में स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करा पाते। शिविर के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है। सुहागपुर क्षेत्र में ये धनपुरी और सेमाइंस में स्वास्थ्य परीक्षण आज कराया जा रहा है कंपनी के द्वारा। इसके पूर्व भी स्वास्थ्य परीक्षण होता है, क्योंकि कर्मचारी धूल से डस्ट से काफी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, खांसी आती है, बुखार आता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, एक एज फैक्टर है जिसके कारण भी लोग बीमार होते हैं। कंपनी ने सुध ली है और स्वास्थ्य परीक्षण आज धनपुरी और सेम के एक स्पेशल ऑफिस में हो रहा है, और बहुत सारे लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। कर्मचारी और महिलाएं जितने कर्मचारी हैं सभी ने स्वास्थ्य परीक्षण अभी जारी है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना।